पहली बारिश में लोहरदगा जिले के सदर अस्पताल की व्यवस्था एक्सपोज हो चुकी है। सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहली ही बारिश में पानी भर गया। सिविल सर्जन जैसे बड़े और जिम्मेवार अधिकारी कह रहे हैं कि नाली जाम होने से आईसीयू का यह हाल हुआ है। अब सवाल है, आईसीयू का यह हाल होगा तो जनरल वार्ड की पूछेगा कौन? रिपोर्ट देखिए। एक कहावत है, पहली बारिश में ही कईयों का रंग उतर जाता है। ये तस्वीर भी हमारे सिस्टम का रंग उतार रही है। ये नजारा है लोहरदगा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड की। पहले ही बारिश में सदर अस्पताल का आईसीयू ही पानी पानी हो गया। हैरान करने वाली बात ये है कि सफाई भी मरीजों को ही करनी पड़ी। सड़कों की जगह आईसीयू में जल जमा हो जाए तो सवाल सब पर उठेंगे। सिविल सर्जन को पता है कि सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा, लिहाजा जवाब की तलाश में वो सदर अस्पताल के निरीक्षण की औपचारिकता निभाने पहुंचे। अस्पताल का मुआयना करने के बाद सिविल सर्जन ने कहा, नाली जाम हो गई थी जिसके कारण आईसीयू में जल जमा हुआ। अभी मैंने स्वयं जाकर के देखा, पूछताछ किया, पता चला दो दिन पूर्व की घटना है। उसके बाद नाली को लेबर के साथ तो नाली को साफ करके बना दिया गया है। अब स्थिति नॉर्मल हो गई। पीछे तरफ जो जहाँ से पानी घुस रहा था वहाँ पर एक छोटा वहाँ का एरिया को सील कर देना होगा ताकि आईसीयू में तरफ पानी ना जाए। नाली जाम थी इसलिए आईसीयू पानी पानी हो गया, ये कहकर सिविल सर्जन अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ नहीं सकते। आईसीयू वार्ड की इस तस्वीर ने सदर अस्पताल की पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है। लोग पूछ रहे हैं कि जब आईसीयू वार्ड का ये हाल होगा तो जनरल वार्ड भगवान भरोसे ही चल रहे होंगे। टीवी 45 के लिए लोहरदगा से अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमर, सदर अस्पताल में घुसा जब बारिश का पानी और लोगों के बीच बड़ी है परेशानी, क्या कुछ खबर पर अपडेट? जी बिल्कुल लोकेश, देखिए लोहरदगा जिले के जो सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल है, पहले बारिश में ही जो है इसकी पोल खुल चुकी है। लोहरदगा सदर हॉस्पिटल का जो आपका आईसीयू वार्ड है वहां पर जो है एक वाटरफॉल बन गया। अब लोगों को लगता है वाटरफॉल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग जो है अब आईसीयू में ही वाटरफॉल का मजा ले सकते हैं। अच्छा, पहली बारिश के बाद जो पोल खुल गई है उसके बाद में मरीजों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अमर, देखिए मरीज जो है वो पानी से ही होते हुए जो है अपनी वार्ड को जा रहे हैं। मरीज जो है वहां पर परेशान है। इस विषय पर जब सिविल सर्जन से बात की गई तो सिविल सर्जन डॉक्टर राजमोहन खलको जो है आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किए, लेकिन लापरवाही को नकारते हुए जो है समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लेकिन यहाँ पर है कि बारिश में जो है अगल बगल की जो बिल्डिंग वहाँ पानी गिरने और नाली जाम होने के कारण जो है जल जमा हुई है, ये कहना था सिविल सर्जन का। लेकिन जल जमाव हो रही तो इसका निराकरण भी होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास फंड है, उसके बावजूद जो है आईसीयू रूम में पानी घुस रहा है तो आखिरकार स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? जी, बड़ा ये सवाल बनती है स्वास्थ्य विभाग में। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर ये बड़ा सवाल है और उनको जवाबदेही भी बनती है। हालांकि बारिश ने कहीं ना कहीं इसकी जो सूरत है उसे बिगाड़ने का काम जो है वो जरूर किया है।